अब हर रोज सुबह की चाय के साथ। देखिए सुनिए मेरे साथ, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य, आपके लिए लाया हूं दुनिया का खबरनामा। अमेरिका को पसंद नहीं भारत का रूस से S-400 खरीदना। भारत और रूस के बीच पिछले साल हुई S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील पर अमेरिका ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने धमकी देते हुए कहा है कि भारत का यह फैसला अमेरिका और भारत के रिश्तों पर गंभीर असर डाल सकता है। अमेरिका ऐसा कहकर अपने कानून काटसे की तरफ इशारा कर रहा है। इस कानून के तहत अमेरिका दुश्मन से हथियार खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस लिहाज से भारत भी रूस से हथियार खरीदने के लिए प्रतिबंधों के दायरे में आता है। लेकिन अमेरिका और भारत का रक्षा व्यापार बीते समय में काफी बड़ा है, इसके चलते वह भारत पर प्रतिबंध लगाने से बचना चाहता है। भारतीय मूल की अनिता भाटिया यूएन विमिन की उप कार्यकारी निदेशक बनी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भारतीय मूल की अनिता भाटिया को वैश्विक संस्था की महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता पर केंद्रित एजेंसी यूएन विमेन का उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अनिता भाटिया ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास और स्नातक की डिग्री ली है। सूडान में सैन्य जनरलों के खिलाफ महिलाएं उतरी सड़कों पर। सूडान में सत्तारूढ़ जनरलों पर सत्ता छोड़ने का दबाव बनाने की खातिर सैकड़ों महिलाओं ने यहां सैन्य मुख्यालय तक एक बड़ी रैली निकाली। प्रदर्शनकारी नेताओं ने सामूहिक रैली निकालने का आह्वान किया था, जिसके बाद महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर गई। भारत में पीएम मोदी की शपथ। दुबई में खुशी के मारे तिरंगे के साथ झूमे लोग। दुबई के इंडिया क्लब में एक लाइव स्क्रीनिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का प्रसारण किया गया। जैसे ही उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया तो समारोह में मौजूद सभी भारतवासी तिरंगा लहराकर झूमने लगे। यहां भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। एड्स से लड़ रहा है मुशर्रफ। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ की हालत बेहद खराब हो गई है। दुबई के नेशन अखबार के अनुसार मुशर्रफ किसी से भी बात और मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। 2007 में संविधान को निलंबित करने के लिए मुशर्रफ राजद्रोह का सामना कर रहे हैं। वह इस वक्त इलाज के बहाने दुबई में दुबके हुए हैं। काफी समय से क्या लगाए जा रहे थे कि मुशर्रफ को एड्स जैसे रोग ने जकड़ लिया है, लेकिन मुशर्रफ का परिवार इसे छिपाता रहा है। पर अब यह साफ हो चुका है कि मुशर्रफ एड्स से पीड़ित हैं। मुशर्रफ का तंत्रिका तंत्र बेहद कमजोर हो गया है और वह बात करने की स्थिति में भी नहीं है। भारत से GSP का दर्जा छीनने की तैयारी में अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कहा है कि वह भारत को मिले GSP दर्जे को समाप्त करने के अपने निर्णय से पीछे हटने वाली नहीं है। ट्रंप ने 4 मार्च को इस बात की घोषणा की थी कि वह GSP कार्यक्रम से भारत को बाहर करने वाले हैं। इसके बाद 60 दिनों की नोटिस अवधि 3 मई को समाप्त हो गई। अब इस संबंध में कभी भी औपचारिक अधिसूचना जारी की जा सकती है। सामान्य तरजीह प्रणाली अर्थात GSP अमेरिका द्वारा अन्य देशों को व्यापार में दी जाने वाली तरजीह की सबसे पुरानी और बड़ी प्रणाली है। इसके तहत दर्जा प्राप्त देशों को हजारों सामान बिना किसी शुल्क के अमेरिका को निर्यात करने की छूट मिलती है। दक्षिण कोरिया के समाचार पत्र चोसोन इल्बो की रिपोर्ट की माने तो किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुए दूसरे शिखर सम्मेलन के विफल रहने से उत्तर कोरिया इतना तिलमिला गया था कि उसने अपने विशेष दूत को मौत के घाट उतार दिया। उत्तर कोरिया के इस विशेष दूत का नाम किम हयोक चोल था। इसी दूत ने हनोई शिखर वार्ता की आधारशिला रखी थी। किम जोंग ने चोल को इसका जिम्मेदार मानते हुए फायरिंग दस्ते द्वारा गोलियों से भुनवा दिया है। चोल के साथ उसके 4 अन्य वरिष्ठ विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा मोदी बेहतरीन नेताओं में एक। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने मोदी सरकार के कामकाज की शुरुआत करते ही बड़ा बयान दिया है। गुतारेस ने कहा है कि भारत बेहद अहम सहयोगी है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ काम करने को लेकर आशान्वित है। नरेंद्र मोदी दुनिया के बेहतरीन नेताओं में से एक है। संयुक्त राष्ट्र को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। बल्ला संभलता नहीं और कश्मीर मांगने चले हैं। विश्व कप के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। क्रिस गेल के अर्धशतकीय पारी और ओसोनो थॉमस की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान टीम मैदान पर रहम की भीख मांगती नजर आई। पाकिस्तान 7 विकेट से मैच हारकर अब अगली पिटाई की तैयारी कर रहा है। क्रिस गेल के 34 गेंद में 3 छक्के और 6 चौके पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा कारण बने। यानी बल्ला संभलता नहीं और भिखारी देश के भिखारी कश्मीर संभालने की बात करते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।